फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूडी। आज हम इडली और डोसा के साथ खाने वाली दो प्रकार की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे लाल चटनी, जिसे बहुत ही पसंद किया जाता है। दूसरी बनाएंगे नारियल की चटनी। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी लाल चटनी बनाने के लिए हमने कटे हुए दो टमाटर लिए हैं, एक प्याज ली है, 6-7 लहसुन की कलियां, 2 चम्मच चने की दाल, 4-5 लाल मिर्च ली हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें आधी चम्मच राई डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे और गैस को हमने लो फ्लेम पर ही रखा है। 2 चम्मच चने की दाल भी डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि हमारी दाल का कच्चापन निकल जाए। इसके साथ ही हम इसमें कटी हुई प्याज भी डालेंगे, 6-7 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे और सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे सभी का कच्चापन निकल जाए। और हमें प्याज को बहुत डार्क नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कलर ही चेंज करना है। देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम टमाटर को भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक भी डालेंगे, इससे हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, इससे हमारी चटनी में बहुत अच्छा कलर आता है। देखिए अब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने पर ही हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इस रेसिपी को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। कढ़ाई को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। हम इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे, थोड़ी सी चने की दाल भी डालेंगे, थोड़ी सी उड़द की दाल। हम इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। 2 मिर्च भी डाल देंगे। ऑयल तड़का लगाने के लिए हमें बहुत कम ही डालना है। करी पत्ता भी डालेंगे। अब हमने जो चटनी ग्राइंड की थी वो भी इसमें डाल देंगे। और गैस को हमने लो फ्लेम पर ही रखा है, इसे भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और हमने चटनी को थिक ही रखा है, क्योंकि डोसे पे लगाने के लिए हमें थिक चटनी ही चाहिए पड़ती है, पतली चटनी बहेगी। देखिए अब हमारी चटनी अच्छे से पक चुकी है। अब हम बनाते हैं नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने आधा नारियल लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इस रेसिपी को आप फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही जो भुंजे हुए चने आते हैं बाजार में, हमने वही लिए हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है, इसको भी डाल देंगे। 3 चम्मच दही भी डाल देंगे। चम्मच नमक भी डाल देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए अभी हमारी चटनी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए अब हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है और कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम चटनी में भी तड़का लगाते हैं। हमारा ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे। हम चटनी की थिकनेस भी दिखाते हैं, इसी तरह की चटनी चाहिए हमें।
दो लाल मिर्च भी डाल देंगे। और हमने दो चम्मच ऑयल ही डाला है और गैस को लो फ्लेम पर रखा है। थोड़े से करी पत्ता भी डाल देंगे। अब हम इसे चटनी में डालेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे हल्का सा मिला देंगे। अब हम सर्व करते हैं। लाल चटनी और नारियल की चटनी बनके तैयार है। आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ और पराठे के साथ खा के भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि इस तरह से आप लाल चटनी बनाएंगे तो आपको भी लाल चटनी का टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा ही लगेगा। यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।